नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। बात बहुत दिन की है, मनुक की सृजना से भी पुरानी। तब मेघ दूध बरसाते थे और रेतों में दूब उगा करते थे। आते जाते समय का चक्र धरती की छाती पर सृष्टि बिखेरता गया। रचने वाले की माया जो पसरी सो अब तक सिमटी ही नहीं। सुख दुख की कामना, प्रेम पास के बंधन, नित नया जंजाल। इसी मोह माया के अंधेरे उजाले में बसे उस गांव में रहता था गणेश कुम्हार। हर काम में निपुण उसकी पत्नी कुर्जा और भाग्यवान उसका पुत्र लिचमन। बर्तन इतने सुंदर करता कि लोग विश्वकर्मा की याद करते। बेटे की जब उम्र हुई तो मां ने एक सुंदर सा मानना रचा और उसका ब्याह कर दिया। निकालो अब टेंट से। हाँ, सस्ते में काम नहीं चलेगा। अरे सगुन खरे निकालो ससु जी। ये हमारे कुल की देवी है,
हम कुम्हारों के लिए सबसे ऊंची। देवी के आशीष से हमारे घर परिवार में हमें प्यार बना रहे, खुशी बनी रहे। दोनों मिलके धोक दो। ले बोल। अरे इससे बड़ा खुशी का मौका और कौन सा आएगा? एक ही तेरा लाल सो ब्याह हो गया, लक्ष्मी से बहू घर। देवी कोई आना होगा, आज ही वापस चली जाएगी। आप मनाओ, मुकलावा जल्दी हो जाए, तब मैं आपको खूब राजी करूंगी। हाँ, तब तो मैं लूंगा ही। लिख भी दो राव जी। लिखा तो जब जाएगा जब हाथ में कलम होगी, और कलम तब चलेगी जब मुट्ठी भरेगी। यही तो दुनिया की रीति है, और मैं कोई उससे अलग थोड़ा ही हूँ। भाई व्यापक खुद तभी हो जब राव जी की बही चढ़े, क्यों? सही कह रहे हो भाई, हिसाब किताब का सब लेखा जोखा तो उन्हीं के पास हुए। न लिखे राव जी तो फिर कहाँ व्यापक हो। सही कह रहे हो। बधाई हो भाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बेटी तो अब आपकी हुई, मैं तो बस अमानत लिए जा रहा हूं।
कितनी देर लगा दी बाबा इस बार। बापू बहुत काम तो नहीं लेता ना तुझसे? कई बार जब मरुभूमि में समय बड़ा कठिन बीता, अकाल अक्सर आ फटका, जीव जंतु सब विचलित हो गए, तब भी गणेश कुम्हार अडिग रहा। बड़ा मान था उसका आसपास के सात गांव में। कर्म भले तो कर्म भला, लोग कहते उसकी नियाओं का बर्तन कभी माटी नहीं हुआ। अरे सेठ जी, आप? आपने क्यों तकलीफ की? हुकुम करते मैं आप हाजिर हो जाता। बात ही ऐसी थी, मुझे ही आना पड़ा। कैसी भी बात हो, मैं दौड़ा चला आता। तुम नहीं समझोगे, तुम गवार लोगों के लिए हमारी खुशी का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। 30 सालों बाद आज मेरे घर बेटे का जन्म हुआ है। बधाई हो। बधाई हो। बधाई तो तब मानू जब तुम मेरी बात मानो। अरे आप हुकुम तो कीजिए। असल में मैं अपने बेटे की खुशी में एक प्याऊ और धर्मशाला बनवाना चाहता हूँ। जैसी अच्छा। खुशी जैसा कारज साजे। ये तो बड़ा पुण्य का काम है। गांव के तीनों कोनों में प्याऊ हैं, दक्षिण में भी बन जाए तो। अरे गांव में प्याऊ की क्या जरूरत है, घर घर पानी मिल जाता है। खेजरी वाला चौराहा देखा, निमाई दलदल के पास 20 गांव की आमद रफ्त है। वहाँ दूर दूर तक बस्ती भी नहीं। ऐसी जगह लोगों को पानी ठाया मिलेगा, सोचो पुण्य दुगना चौगना होगा कि नहीं। 20 बरस से उस जगह पर मेरी आंख थी, सिर्फ मौके की तलाश थी। पर वहां तो एक आदमी रखना होगा दिन रात। वही तो बात उलझ गई है, भरोसे का आदमी चाहिए। हमारी समझ में यह काम सिर्फ गणेश के हाथों सर सकता है, इसीलिए चलकर यहाँ आया। गणेश अगर हाँ कह दे तो आज ही नींव रखवा दूं। जी मैं भाग से ऐसी गुणवती बहू है, सब काम में बराबर साथ देगी। काम तो बहुत बढ़िया है शेठ जी, पर मेरा धंधा यहाँ, बिरादरी यहाँ। अरे वो सब मैंने सोच लिया है, रहने के लिए पड़वा झोपड़ी वही प्याऊ के पास बनवा दूंगा, चीज बसत सब पहुंचा दूंगा। मिट्टी का धंधा छोड़ रात दिन वहीं रहना, यात्रियों की सेवा करना, स्वार्थ का स्वार्थ, परमार्थ का परमार्थ, और क्या चाहिए है? काम है तो पुण्य का, पर अरे दूसरे के पैसे से परमार्थ, भला इससे सस्ता पुण्य और क्या हो सकता है? पंचेट जी, धंधे के बिना हमारी गुजर बसर कैसे होगी? मुंह मांगी पगार दूंगा, पर देख धर्म विचार से मांगना।
सोच लो, आपस में बात कर लो, चार आदमियों से सलाह कर लो। राम राम। ऐसा कैसे हो सकता भला कि धूरों में बयार चले और रेत न उड़े। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। पूरब से पश्चिम तक आसमान बवंडर से भर गया। चारों तरफ सुख ही सुख दिखने लगा। कोई बच भी कैसे सकता था भला, सवारत का सुख, परमारत का प्रलोभन। मन ऐसा घूमा कि बस जरूरत क्या थी आपस में सोचने की, चार आदमियों से सलाह करने की। बेटा ले। राम राम। मैं ले चुका हूं बेटा, इनका दो। ले लो बेटा, ले लो बेटा। सेठ जी से पूरी पगार मिलती है। रख लो, कभी काम आएंगे। सेठ जी की कृपा से सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। दिन रात भूत की तरह काम करते हो, कुछ हमारा भी तो फर्ज बनता है। बहुत होनहार है लड़का। देखो तो यहाँ क्या भूल गया कोई? क्या है? पाजेब, चांदी के हैं, आंगन में ला दे। संभाल के धर दे। पर पता कैसे चलेगा कि किसके हैं?
जरा दूर हट, पता चल भी जाए तो क्या, जिसके होंगे अपने आप आकर ले जाएगा। पर उसे मालूम भी तो हो कि यहाँ छूटे हैं। मालूम पड़ भी जाए तो क्या, हमारे पास धरोहर रखी है, जिसके भी होंगे उसे लौटा देंगे। और कोई लेने नहीं आया तो? पड़े रहेंगे, जरा जल्दी बांध दे लकड़ी। वापस कैसे होंगे, चोरी हो जाए कुछ ऊंच नीच तो हमारे नाम। यहाँ चोरी करने कौन आएगा, हमारे पास है ही क्या चोरी करने के लिए। मैंने चाक फिरनी बना ली ना, चलो ना चाक पे सकोरे बनाने। चलो। बरसों कड़ी धूप में मेहनत मशक्कत से जीवन निर्वाह करने के बाद कुम्हार को तो प्याऊ बस बदान सा मिला। कामकाज का जंजाल छूटा, न वो माटी गढ़ता न उसके न्याओं से धुआं उठता, रोजी रोटी की चिंता छूटी, बस डटकर यात्रियों की सेवा करता, खूब परमारथ हरजता और समय को बीतने देता। नहीं नहीं, मेरी चाक फेरनी से। ला दे। मैं बनाऊंगा। हाँ पहले मिट्टी तो उठाने दे। ले। ध्यान से। ठीक बीच में एक सूत का फरक और बर्तन बेड़ोल। देख ले, कर दिया ना माटी। अरे दिखता नहीं क्या? अरे आंख से नहीं, हाथ से देख, हाथ से। छोरा काम कर रहा है सो कुछ नहीं, उल्टा फटकार बता रहे हो। लगता है यात्री आ गए।
बस। दोपहर से बेहोश हैं। जरा जल्दी से इमली का पानी बना दे, बिल्कुल देरी ना हो, लू बिगड़ चुकी है, एक एक छिन भारी है। अगर कल तक बोली पे नहीं पहुंचे तो बात हाथ से निकल जाएगी। तू क्या चाहता है, ऐसी हालत में छोड़कर चले जाएं? ऐसा मैंने कब कहा? सवाल यह है कि तबीयत सच में इतनी खराब है या ये लोग यूं ही घबरा रहे हैं अगर हम बोली पे ना पहुंचे। और यहां भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम तो बेवकूफ बन जाएंगे ना। और कोई अनहोनी हो गई तो जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बोली कब है? कल सुबह। मां की तबीयत लगती तो खराब ही है। तुझे पहले ही कहा था मत साथ ले, जहां औरतें साथ हुई वहीं मुसीबतें आएंगी। अब ठीक है, थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी, आप भी पांव सीधे कर लीजिए। एक से बढ़कर एक कीमती जवाहरात हैं। अगर दाव हाथ लग जाए तो रातों रात लखपति बन जाएंगे। ऐसे जानकार खरीदारों का मेला बरसों बाद लगा है, 100 गुना ज्यादा बोली लगेगी। चल। कहां? देखे मां की तबीयत कैसी है। ऐसी दशा में यात्रा पे निकलना चोखा नहीं है शिव जी। वैसे तो आपको कल भी नहीं निकलना चाहिए, जब तक तबीयत। भाई जी कह रहे थे कि समय रहते निकल जाएं तो वो फटने से पहले मंडी पहुंच जाएंगे। मां की तबीयत तो सुधर ही रही है, हम कल तक नहीं पहुंचे तो बहुत नुकसान हो जाएगा।
चांदमल और सूरजमल रात रहते ही निकल गए। बहुत चिंतित थे, मैंने जबरदस्ती भेजा। होश आ गया है, जाओ व्यापार संभालो। देर लगा दी बाबा इस बार आपने। अमर पोहे हमारी धर्मशाला का नाम। क्या लाए बाबा इस बार मेरे लिए, बताओ ना। नहीं नहीं बताओ मुझे। अच्छा इस बार एकदम नई कहानी सुना ना। चांदी का काम है? इतनी रकम बैठी इन पे? तुझे रकम से क्या, छोरे का गौना नहीं कराना है क्या? क्यों ब्याह हो गया रे तेरा? मुकलावा कब है? कैसा उभरा ललाट है, बड़ा भाग्यशाली है ये तो। दसों चक्र चक्रवर्ती राज का जोग है, महाभाग्यशाली। मेरी तरफ से बहू को देना। ना, बहू अपना भाग आप लाएगी, मैं क्यों उसके लिए जोड़ूं? बाबा तुम पिछली बार जो खिलौना लाए थे ना वो टूट गया, बहुत जल्दी टूट गया। हाँ इस बार अच्छा वाला लाना, एकदम मजबूत हो। नहीं नहीं वो सच्ची टूट गया। अच्छा बाबा इस बार क्या लाए हो देखें जरा, बताओ ना। नहीं तुम बताओ। देखो बाबा हमारे पास है ना, यहाँ पर एक प्याऊ भी है, एक गाय भी है, एक बछड़ा भी है। हाँ यहाँ बहुत सारे। मैंने एक बात सोची है। जो तूने सोची है वही मैंने भी सोची है।
तुमने गौर से उसका ललाट देखा है? दसों उंगलियों में चक्र हैं, सभी अनोखे भाग्यशाली चिन्ह हैं। हमारा भाग शायद इसी के भाग से सलटेगा। तुम आज ही बात करो, अभी बात करो। देखो, चूक गए तो ऐसा संजोग कभी हाथ नहीं आएगा। कुम्हार मान भर जाए बस, मैं तो व्यापार में हिस्सा तक रखने को तैयार हो जाऊंगा। तुम बात तो चलाओ, जरूर हमारे मन की होगी। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रदष्टाय धीमहि तन्मे नरसिंह प्रचोदयात्। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रदष्टाय धीमहि तन्मे नरसिंह प्रचोदयात्। कोई कमी तो नहीं रह गई? तुमने हमारी बड़ी सेवा की है गणेश। धर्मशाला छोड़ते नहीं बनता। करने वाला मैं कौन? मैं तो निमित्त भर। कृपा तो आपकी जो आपने सेवा करने का मौका दिया। नहीं, तुमने बहुत उपकार किए हैं हम पर। इतने दिन से यही सोच रहा हूं कि इस उपकार का बोझ उतारूं तो कैसे उतारूं। बोझ की क्या बात है, ये तो मेरा धर्म है। एक रास्ता मेरी समझ में आ रहा है। अगर तू मान जाए तो तेरे बेटे को साथ दिसावर ले जाने को तैयार हूं। मैं अपने पास रख खुद उसे व्यापार सिखाऊंगा, वचन देता हूं। जी, किसकी बात कर रहे हैं? लक्ष्मण बड़ा होनहार लड़का है, वो जल्दी व्यापार सीख जाएगा, मुझे भरोसा है। नहीं निशिर जी, कैसे हो सकता है? इकलौते बेटे को दिसावर भेज दो? नहीं नहीं, ये सोचते ही दिल में सूल सा चुभता है। मुश्किल तो है गणेश, लेकिन इतना होनहार लड़का सारी जिंदगी मिट्टी में हाथ गंदे करे, सोच कर जी दुखता है। कुम्हार के हाथ मिट्टी से गंदे थोड़े ही होते हैं, वो तो सजते हैं। कुबेर की सवारी सजाए उसके तो ऐसे भाग हैं। कुबेर का कुम्हार के घर से क्या वास्ता, वो तो बनियों का देवता है। बनियों के सिर पर कोई तुर्रा लगा है, जो व्यापार करेगा वो धन कमाएगा। लक्ष्मी पर किसी की बपौती नहीं है, जिसने उसको सिद्ध किया लक्ष्मी उसकी है। लेकिन हाँ, उसके लिए मिट्टी छोड़नी होगी। मिट्टी के साथ मशक्कत होगी तो मिट्टी ही हाथ लगेगी। पर ये तो घर का काम है, अपने मालक आप। तो मैं क्या उसे नौकर की तरह ले जा रहा हूं? बेटा समझकर भी नहीं? फिर साझेदारी में? साझेदारी? हाँ, बराबरी का हिस्सा रखूंगा व्यापार में। जैसे ही उसके हिस्से की पूंजी इकट्ठी हो जाएगी, नई दुकान लगवा दूंगा, धंधा आगे और आगे बढ़ेगा। अपना धंधा, अपने मालिक आप, दुकान, रथ, नौकर चाकर, तीन मंजिली हवेली होगी। हवेली? हाँ, पक्की हवेली, एक नहीं दो तीन, जितनी चाहो। पर हवेली बनाने लायक रकम तो सुना है पुरखों से मिलती है। व्यापार बढ़े और भाग साथ दे तो समझ लो गणेश, सब कुछ अपने हाथ में है। जब मैं घर से निकला था तो केवल एक लोटा और गमछा लेकर निकला था, लेकिन आज सात सात गांव में मेरे नाम के प्याऊ हैं, धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं। भाग और जुगत से सब कुछ संभव है, और आज ये दोनों तेरा मुंह जो रहे हैं। तुम्हारा माथा तो नहीं फिर गया?
मैंने तो सिर्फ पूछा था। मुझसे क्या पूछते हो? तुम्हारा अपना मन राजी है? मन क्यों कर राजी होगा, पर दुनिया सिर्फ मन से नहीं चलती, आदमी को 10 बातें विचारनी होती हैं। छोरा यहाँ रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, कुमार का धंधा। बाहर जाएगा तो कुछ देखेगा, सुनेगा, 10 नई बातें सीखेगा। छोरा होनहार है। सेठ जी कहते हैं अगर मन लगाकर व्यापार जमाएगा तो 10 साल के अंदर ही धन का अंबार लगाएगा, अंबार। पर हमें धन का क्या करना है? क्या करना है, बाजे वक्त कितने काम निप जाते हैं आदमी के। पर अपना कौन सा काम अटका है? प्याऊ पे ही रहते हैं, दोनों वक्त की रोटी मिलती है, पगार मिलती है, यात्रियों की सेवा करते हैं, पुण्य का पुण्य, काम का काम, चारों तरफ तुम्हारा इतना नाम, इतनी चर्चा, और क्या चाहिए? सेठ बनने से मोक्ष मिले तो भी बात दीगर, पर सिर्फ धन की खातिर तुमने मन डिगाया तो क्यों? मन डिगाया तेरी खातिर, तेरे बेटे की खातिर। अकेले बेटे के पिछो में कौन सा सुख है, मैं भी तो जानू। लाट पकाई सो बोलो, बात करो पीछे, पहले तवे की तरह गर्म हो जाती। बेटे को भेजे ना भेजे बात दिगर, पर घर में इस पर सोच विचार करने में क्या हर्ज है? जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्या पूछना। ठीक है, तुम्हें नहीं जचता ये रहने दे। बीच में छोड़ चले आए। एक बात पूछूं? तुझे ये रोज रोज के चूल्हे चौके से छुटकारा मिले तो कैसा लगेगा? क्या माने? सोच कर सच सच बता दे, ये रोज रोज की दानागट्टी चूल्हे चौके से छुटकारा मिले तो भला लगेगा ना? और मिट्टी गूंदने से? हाँ भला लगेगा। हम हमेशा दूसरों की सेवा टहल करें बजाय इसके कोई हमारी सेवा करे। जरूरत क्या जब तक हाथ पांव चलते हैं? जितना भर पूछता हूँ उतना भर जवाब दे, भला लगेगा ना? हाँ लगेगा। हमारी अपनी हवेली हो, हमारे नाम से दान पुण्य हो, अपने मंदिर हो, भला लगेगा ना? किसे भला नहीं लगेगा। और तेरे तन पर टोकरी पर सोना जगमगाता हूँ। 100 बार 1000 बार भला लगेगा, पर हमारे पास सोने का एक कण भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं। क्यों नहीं हो सकता? यार निजोरी माथा पच्ची ले बैठे, आज तक कुमार ने कभी सोना पहरा है? कुमार का छोरा ठीक से बर्तन गढ़ ले उतना ही बहुत है। जो जिस चीज के लिए जोर लगाएगा उसे वही मिलेगा। कुमार का छोरा अगर चाक चलाएगा तो मिट्टी गढ़ेगा, पैसा लगाएगा तो व्यापार करेगा, धन कमाएगा। मिट्टी तो यहाँ वहां जस्तस बिखरी पड़ी मिलती है, पैसा कहाँ से आएगा? देख सेठ मान गया है, वो लक्ष्मण का व्यापार में बराबर का हिस्सा रखेगा। दिसावर में अपने पास रख, आप व्यापार सिखाएगा और कुछ ही सालों में लक्ष्मण आप बड़ा सेठ बनेगा। देख इससे बढ़िया संजोग और क्या हो सकता है? आज से 20 साल पहले सेठ के पास कुछ भी नहीं था, बस एक गमछा और लोटा। सेठानी तेरे जैसे कपड़े पहनकर निकली थी, आज देख। पर लक्ष्मण दिसावर चला जाएगा तो बहू अकेली क्या करेगी? क्या करेगी माने, सब्र करेगी। जब सेठ लोग दिसावर जाते हैं तो उनकी बहुएं क्या करती हैं? एक बार गौना हो जाए तो बहू लक्ष्मण के साथ बैलगाड़ी में बैठकर दिसावर जा सकती है। हाँ सेठ लोग जब दिसावर जाते हैं तो उनकी बहुएं बार बार दिशा और साथ साथ जाती रही।
लक्ष्मण, बहू, तू, मैं, टाबर सब रथ पर चढ़ दिसावर जा सकते हैं। मैं औरत जात क्या भला समझूं, जो तुम्हें जचे सो कर लो। दिशावर के नियम तो ऐसे ही हैं। धन कमाना भी एक तपस्या है, बिना बाधा एकाग्रता से घर परिवार का मोह छोड़कर व्यापार करना पड़ता है। सभी करते हैं, मैंने भी किया, मेरे बेटों ने भी, लक्ष्मण को भी करना पड़ेगा। 12 साल का वे छो सेठ जी, अभी तो मैंने अपने बेटे को आंख भर देखा भी नहीं, कैसे रहूंगी? क्या 2-4 साल बाद कभी हम? बेटा इतनी बड़ी यात्रा पर जा रहा है, उसे खुशी खुशी विदा करो। चलो, देरी हो रही है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, हाथ जोड़ती हूँ, आज भर रुक जाए जाओ यार, कल चले जाना, हम अपने बच्चे को आंख भर तो देख लें। Thank you.
तीन घड़ी हो गई साथ चलते चलते। क्या दिसावर तक साथ चलने का इरादा है? बस थोड़ी दूर और। नहीं, जब तक तुम लोग नहीं लौटते मैं गाड़ी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अब चलो ना सेठ जी, उस मोड़ से हम लौट आएंगे। जब तक तुम वापस नहीं लौटते मैं गाड़ी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सदा राम रस भीनी, चादर राम राम सी।
दिन में दो दो बार लकीरें खींचने से वक्त क्या जल्दी कट जाएगा? मैंने आज एक भी लकीर नहीं खींची। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या किया था? तो कल की बात है। आज भी यही हुआ। छोड़ दे उसे, तेरे चलते तो सारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, सच कहती हूँ, मैंने आज एक भी लकीर नहीं खींची। सुबह उठते ही मैं गेरू से जान जान कर दूर रही, सोचा कि सारा काम काज निपटाकर आराम से खींचूंगे। कितनी दफे कह चुका हूं कि दिन ढले तब खींचा कर, पर नहीं। ये देख, 6 महीने और 7 दिन हो गए हैं। ये देख, 5 और 2 7, इतनी लकीरें खींच चुकी हैं अभी तक। और तुम्हें कैसे मालूम कि आज 7वां दिन है? हो सकता है 8वां हो। मुझे मालूम है। अपने आप को संभाले, ये दिन रात का रोना धोना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत बुरी, नहीं चाट पड़ती ना ऐसा विकट बिछो होता। कहीं से गड़ा धन मिल जाए तो अभी के अभी दिशा में जाकर अपने बेटे को वापस ले आऊं। सोचता तो दिन रात मैं भी यही हूं। कभी सोचता हूं अपने कुएं से पानी की बजाय 5-1 डोल सोना निकल आए, या किसी दबे खजाने की खोज मिले, या कोई धनवान सेठ जात्री अपना सब कुछ हमें दान कर जाए। कहीं ना कहीं से किसी तरह धन का जुगाड़ हो जाए तो सच कहता हूं अपने बेटे को एक छिन के लिए भी बाहर न रहने दूं। ये
जितना मोटा सोने का सूरज रोज आकाश में चमकता है। यही एक दिन टप से मेरी झोली में आ गिरे तो सारी दुनिया का दरिद्र दूर हो जाए। लगता है कोई छात्री आ गए। चलो उतरो, संभाल के। वो रहा, आओ ना। कहाँ है? बाहर गए हैं यात्रियों को देखने। यात्री तो यहाँ खड़े हैं। यात्री रात यहाँ रहना चाहते हैं, साथ में कीमती सामान है। यहाँ कोई डर तो नहीं? किसी को क्या गरज यात्रियों के सामान की तरफ देखने की? चोर, डाकू, लुटेरे। इस देहरी का नाम अमरपो। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई यहाँ कोई कुकर्म करने की। क्या ये अमरपो है? गणेश कुमार की धर्मशाला, सेठ भागचंद की धर्मशाला। मन्नत मानी थी चोरी चोरी की यात्रा करेंगे, छुप कर निकले हैं। किसी ने पहचान लिया तो यात्रा निष्फल हो जाएगी। आज रात यहीं अपनी कुठरिया में ठहरा लीजिए ना, साथ मेरी पत्नी है। अरे मैं तो सब जगह ढूंढाया और आप यहाँ, पर मैंने तो गाड़ी की आवाज सुनी थी। खड़ी है पिछवाड़े। छिपकर यात्रा पर निकले हैं, रात यहीं ठहरेंगे। एक कमरा खोल दो ना। क्यों, आप मुझे यहाँ नहीं ठहराएंगी? नहीं, यहाँ आपको आराम नहीं मिलेगा। आप वहीं धर्मशाला में ठहरिए। ठीक है, चलिए। चलो आओ ना। आपके पास थोड़ा तेल होगा? शाम से इनके सिर में दर्द है, सोचा मालिश कर दूं, आराम हो जाएगा। घर है आपका।
सेठानी तो गहनों से बस। नया नया गौना हुआ है, बहू को लेकर सीधे ससुराल से आ रहा है। बहू को हवेली टिकाकर ये भी दिसावर चला जाएगा क्या? नहीं, इसे दिसावर जाने की क्या जरूरत है, लखपति बाप का इकलौता बेटा है, आगे दहेज भी जी भर कर मिला है। 3 मंजूस पर हीरे जवाहरात दिए हैं सेठ ने बेटी को, 7 पीढ़ियां घर बैठे खाए तो भी कम नहीं पड़ने का। तो ये कभी दिसावर नहीं जाएगा? नहीं। बस लक्ष्मण दिसावर से लौटा है, फिर हमारी बहू भी राजरानी सी सोने से चकमक चकमक चकमकाएगी। बोलो, कोई सपना देखा क्या? धीरे बोलो। क्यों, क्या बात? हम रोज धन पाने की कितनी अनहोनी बातें करते हैं, लक्ष्मी जी रोज अपने पांव चलकर हमारे द्वार आती है, उसकी ओर कभी ध्यान नहीं देते। सपने में तुझे दर्शन हुए क्या लक्ष्मी के? हाँ। तो फिर कहीं ना कहीं से धन का जुगाड़ जरूर होगा, सो जा। धर्मशाला में सेठ सेठानी सो रहे हैं ना? हाँ, सो रहे हैं। उनके पास कितना धन होगा? बहुत। चक्कर यात्रा पर निकले हैं दोनों, किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ है, इससे अच्छा संजोग क्या होगा? मेरे मन में भी कई दफा ये बात आई, पर तेरे डर से कह नहीं पाया। अब क्या देखते हो, रखेंगे कहां? अपने कुएं में छिपा लेंगे। लाशें और गाड़ी टीले के पीछे निमाई वाले दलदल में। गाड़ी जो तो मैं सब साफ कर देती हूं।
बैठो बैठो मैं तो तुमसे कभी बात भी ना करूं। वचन दे गए थे बरस तो बरस आकर लड़के की खबर दे जाया करोगे, हैं? आज आए हुए 8 बरस हो गए। खबर अच्छी थी तभी तो नहीं आया। लड़के से मिलकर आए हो कि नहीं? मिले बिना कैसे आता, हिम्मत कैसे पड़ती। मैं पानी लाता हूं। खूब मजे में है तुम्हारा बेटा, बड़ी लगन से काम करता है। हाँ। दान पुण्य खूब करता है, राजदरबार तक पहुंचे उसकी। हाँ। चारों तरफ कीरत ही कीरत। देखा प्रजापत के किए जो जस था सो था, अब बेटा चारगुनी कीरत बढ़ा रहा है। मैंने कहती थी वो एक दिन जरूर बड़ा आदमी होगा। कैसा दिखता है, हमें याद करता है? परदेश में हमें याद नहीं आती होगी ना। उसे देखे 8 साल हो गए। क्यों रोती हो, तुम दोनों की तो पूजा करता है। तुम दोनों का नाम सुमरन करके ही कोई नया काम शुरू करता है। अब तुम ही रहो, अब रोज मैं तुमसे लिचपन की कहानी सुना करूंगी। नहीं, इस बार नहीं रुक सकूंगा, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। बस ठिकाने तक पहुंचने की सांस बाकी है। अरे ऐसे नहीं जाने दूंगी, कलेवा तो खाते जाओ, तैयार है? अब तो जिस धन की खातिर हमने लक्ष्मण को दिसावर भेजा था वो धन तो हमारे पास इकट्ठा हो गया है। तुम लक्ष्मण को जल्दी से वापस बुलवा लो, हम इसी धन से यहाँ हवेलियां खड़ी कर लेंगे। ऐसे बेवकूफी की बात मत करना, किसी को भनक भी पड़ गई इस धन की तो हम जिंदे मारे जाएंगे, समझी? ये क्या पहना तूने? कुछ नहीं। अरे दिखा दिखा ना, बाजू बंद है और क्या, उतारो से। नहीं, कहने पहने और सिंगारने की मेरी वैसे भी उम्र नहीं है। तेरा माथा तो नहीं पलट गया? बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तेरा माथा तो नहीं पलट गया, किसी तीसरे की नजर इस पर पड़ गई तो दूसरे भोगने लगेंगे ये धन। ध्यान से पहना था मैंने, 20 दिन हो गए, तुम्हें भी कहां मालूम पड़ा? ना हो तो बहू को भी यहीं बुलवा लो, जवान लड़की है, कम से कम वो तो खाए पहने। जब तक लक्ष्मण दिसावर से नहीं आता इस धन को भूल जा, कोर जा। वो बेशुमार धन कमा कर लाएगा, अपना धन उस धन के साथ जुड़ जाएगा, फिर किसी को कोई संशय नहीं रहेगी। उसके आते ही दूसरे दिन मैं अपनी हवेली की नींव डलवा दूंगा। पर हम अपनी हवेली अलग बनवाएंगे,
और बहू से कम गहना मैं भी नहीं पहनूंगी, साफ साफ सुन लो। हाँ हाँ जरूर पहन लेना, बहू से ज्यादा पहन लेना। डाकू पीछे पड़ गए थे, चकमा दे पाँव पाँव छोटे रास्ते भागता आया हूं, अब तक तो बच गया हूं, आगे भरोसा नहीं। यहां कोई छुपने की जगह? यहां छुपने की जगह? डाकू आ गए तो रक्षा कैसे करेंगे? शाला में आज रात कितने आदमी ठहरे हैं? कोई नहीं। कितने कमरे हैं? दो। कोई परेशानी? नहीं। तो एक में मुझे बंद कर दो। इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। बच गए तो ठीक, नहीं तो इसे मेरे बाल बच्चों को सौंप देना। नाम पता सब इसमें लिख कर रख छोड़ा है। चलो Thank you.
भारी है। उसे संदूक जी के नीचे रखने से तो अच्छा है बड़ी वाली हांडी में रख दे। खोलकर देखें। ताला तोड़ना पड़ेगा। उसे क्या कहेंगे? कुछ भी कह देंगे, अनमोल रत्नों का मंजूस है ये। फिर भी उसे क्या कहेंगे? कुछ भी कह देंगे ताला तोड़कर मजूस और रत्न अलग अलग छिपा दिए। कंगन तो मैंने कभी नहीं देखे। पुराना सुना है। बहु पर कितने जचेंगे ये कहने। को मिल जाता तो कुमार जानता है हमें? लाखन सिंह का नाम सुनिया है? वो भगोड़ा सेठ यही ठहरिया है ना? कौन? शाबाश, जैसा नाम सुनिया वैसा ही पाया। यात्रियों की रक्षा तो अपनी जान पे खेल के करता है। शाबाश, वो यहीं छुपया है जानू हूं मैं। पैर भी छोड़ रही हूं तेरी खातिर। तेरी ड्योड़ी पर पाप नहीं पोतूंगा।
भगोड़े सेठ ने कह दीजो मैं छोड़ दियो, निश्चिंत हो अपने घर चलो जाए। तक यहां आप बकस गए, उसे मैं कैसे मारूं? डाकू आए थे, लोग समझेंगे डाकुओं का किया हुआ है। नहीं, मुझसे नहीं होगा। कैसी बातें करते हो, इतने अनमोल कहने ही हुई छोड़ दूं? ये पाप है, मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तुमसे नहीं होगा तो मैं ही किए देती हूं। आठ साल से ब्याही बेटी घर में बैठी है, मुझे यह बताया जाए कि वो क्या करे। जब सेठ लोग दिशा और जाते हैं तो उनकी बहुएं क्या करती हैं? सेठ लोगों की बात और है, लिछमन भी व्यापार के लिए दिशा और गया है। अरे ठहरो ठहरो भाई, जरा धीरज से काम लो। रामधन, जो कुछ हुआ है सब परिस्थिति बस हुआ है, जरा ध्यान से विचारने की बात। पंचों की राय यह है कि लाखा को बुलाकर ही पूछ लिया जाए, उसकी क्या मंशा है। बुलाओ भाई, लाखा को बुलाओ। चलो बेटे चलो। बस आ बेटे, आगे आ जा। तूने तो सब बातें सुन ही ली होंगी, अब तू बोल तेरी क्या मंशा है। मैं बाट जो होंगी।
देर हो गई है, रात ठौर मिलेगा? हाँ जा, 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 जा। यहां किसी बात का खतरा तो नहीं है? यहां कैसा खतरा? अक्सर सुना है इस इलाके में सवारी सहित सवार सब गायब हो जाते हैं, किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। सुना तो मैंने भी है, पर एक बार अमरपुर पे पहुंच जाएं, फिर कोई चिंता नहीं। आप बेफिक्र रहो। कई और लोगों ने भी ऐसा ही कहा। तुम्हारी इस प्याऊ और धर्मशाल का नाम दूर दूर तक है। सब ईश्वर की कृपा है, वही रक्षक है, वही भक्षक। बस तो कुछ नहीं था, कपड़ों का व्यापारी था। अनर्थ हो गया, धन की चाहने हमें तो बस। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। देखो नहीं, कोई लेने नहीं आया। दुश्मन होगा। उसका कमरा तो ठीक ठाक कर दिया? हाँ, अभी देखती हूँ।
जरूर पीछे वाली गाड़ी में लिस्पन होगा, मैंने अभी देखा। मैं गणेश कुमार इस धर्मशाला की देखरेख करता हूं। गाड़ियों का काफला गुजरा यहां से? हां, थोड़ी देर पहले। ठौर मिले तो रात यहीं ठहर जाऊं? जी, आपका सामान। वो मेरा घर है, धर्मशाला इधर है। कितना सुंदर घर है आपका। किसे देख रहे हैं? कितनी सुंदर कबाड़ी है आपकी। धर्मशाला उधर है। नहीं नहीं, रहने दीजिए रहने दीजिए। भारी है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लेकर आता हूं। नहीं नहीं, खाना मैं आपके साथ ही खाऊंगा। देखिए इनकार मत कीजिए, बरसों बीत गए तवे से उतरे गरम सोगरे खाए हुए।
यहाँ क्यों बुलाया? वहीं धर्मशाल में खिला देते। बहुत माना किया, नहीं मानता। अरे नीचे क्यों बैठे हैं? अभी कुछ बैठने को बिछा देता हूं। जरा बरसों से मैं परदेश में घूम रहा हूं। सच सांच को तवे पर सिकते आटे की सौंधी गंध जैसी कोई गंध नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? शायद आप मजाक कर रहे हैं। मजाक करने में मुझे बहुत मजा आता है, पर अभी मजाक नहीं कर रहा हूं। चने की दाल, सांगरी का साग, मूली की सोगरी, देश देश क्यों घूमते हो? पैसा कमाने। आप और पैसा क्या करेंगे? आपके पास तो बेहिसाब दौलत पड़ी है। ना ना ना, मेरा इनमें कुछ भी नहीं। ये तो किन्हीं और लोगों की अमानत है। घर पहुंचते ही उन्हें सौंप दूंगा, फिर उनकी जो मर्जी आए करे। घर कहाँ है? सच बताऊं या झूठ? अकेले इतना धन साध लिए आपको डर नहीं लगता? मैं तो उल्टे आपसे पूछने जा रहा था। इस बियाबान में अकेले रहते आपको डर नहीं लगता? हमें कैसा डर? आपके परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? हमारा एक ही लड़का है। कहाँ है? दिसावर गया है। बूढ़े माँ बाप को अकेले जंगल में छोड़कर दिसावर चले जाना? नहीं नहीं, हमने जबरदस्ती उसे भेजा, वो खुद नहीं जाना चाहता था। आपका हौसला कैसे हुआ? पैसे की खातिर आपने इकलौते बेटे को दिसावर भेज दिया? नहीं नहीं, पैसे की खातिर नहीं, उसके भले के लिए। हाँ, उसका जीवन सुधार हो इसलिए। हाँ। बेटे की बहुत याद आती है? बहुत। 12 बरस हो गए तरसते, तुम नहीं समझोगे। माँ बाप की जून भोगे बिना कोई नहीं समझ सकता, पर अब तपस्या पूरी होने को है, किसी भी दिन लौट आएगा। अभी सामने आ जाए तो पहचान लोगी? कितनी बार सपनों में उसका चेहरा अपनी आंखों से गड़ा है। न मालूम लंबा होगा, नाटा होगा, मोटा होगा या सिंकिया होगा, क्या पता कुबड़ ही निकली हो। थू थू थू, कुबड़ निकले कुबड़ वालों की। हमारा लक्ष्मण तो राम जी की मूरत है। उल्टे मेरे जैसी सूरत निकल आई तो? सूरत तुम्हारी बुरी नहीं, पर हमारे लक्ष्मण की बराबरी नहीं कर सकते। चलिए आपका बिस्तर लगा दो। आज रात मैं यही नहीं सो सकता क्या? नहीं, यहाँ आपको तकलीफ होगी। सेठ जी की सख्त ताकीद है कि यात्रियों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
कुल्हाड़ी कहाँ है? तहखाने में। क्या बजा होगा? यही कोई रात की 2 घड़ी। पिछली बार हमने तय किया था कि अब और नहीं करेंगे। बस ये आखिरी है, इसके बाद और नहीं। बड़ा धनवान है, जितना धन हमने इतने सालों से धीरे धीरे इकट्ठा किया है उतना सब इसके पास अभी इसी क्षण मिल जाएगा। दिया जला दूं? नहीं, आदत हो गई, अंधेरे में हाथ पांव अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। अरे ये तो बहू लगती है, कैसे छकाया? अरे बहू तुम सब कुशल है ना? वो कहाँ है? वो कौन? अरे कल आए नहीं, सोने का रथ नहीं आया। सोने का रथ? वही तो थे, कल हमारे गांव होते हुए कितना कहा रुकने को, रुके ही नहीं। बोले पहले माँ बापू से जाके मिलूंगा, सारी रात उन्हें बताऊंगा। नहीं देखे पहचानते हैं कि नहीं? नहीं पहचाना ना आपने? मैंने तो देखते ही पहचान लिया। कहाँ है वो? अरे आप लोग बोलते क्यों नहीं, बताइए ना। क्या हुआ? क्या हुआ बताइए ना। कर लिया